अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हियर आई एम योर टीचर सिद्रा। आपको बताया कि मैं आपको मैथ्स के लेक्चर दे रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हमने फ्रैक्शन के बाद, फ्रैक्शन की डेफिनेशन और इसके हिस्सों की प्रैक्टिस करने के बाद, आज के लेक्चर में हमने करना है कि फ्रैक्शन को राइट कैसे करते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, कितने हिस्से मिलकर कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस, कि कुछ शेप्स हों उनको हमने किस तरह इक्वल हिस्सों में काटना है, डिवाइड करना है, और दोबारा से जब हमने शेप्स को जोड़ना है तो कितने हिस्से मिलकर फ्रैक्शन को बनाएंगे। यहाँ आपको एक शेप नज़र आ रही है, सर्कल, स्क्वेयर, रेक्टेंगल। जब हम इन शेप्स को काटेंगे तो शेप आधी हो जाएंगी, तो कितने शेप के हिस्से बन जाएंगे। या ये रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल के बहुत ज़्यादा हिस्से बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4। स्क्वेयर के हम इस तरह 4 हिस्से कर सकते हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सर्कल है तो हम सर्कल को 2 हिस्सों में कट सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं आपको दिखाती जाऊँ, ऊपर है आपके पास स्क्वेयर, सर्कल एंड रेक्टेंगल। अब मैंने स्क्वेयर को 2 हिस्सों में काटा हुआ है, कट कर दिया मैंने। स्क्वेयर की कंप्लीट शेप ये है। जब इसकी मैंने कटिंग की है, कट किया, तो ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जिसका मतलब है सर्कल आधा हो चुका है। जब हम आधा करेंगे इसको, तो हम इसको नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2। कंप्लीट शेप की जो हाफ शक्ल होती है उसको बोलते हैं 1/2, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 1/2। कि ये जो सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल का 1/2 है। जब इसको हम अगेन से शेड करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब है दिस इज अ कंप्लीट सर्कल। जब हम इसको उस सर्कल को कट करेंगे तो हमारा 1/2 सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वेयर, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो उसको मैं 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ। इसके 2 हिस्से में शेड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। बाकी हमारे पास कितने बच गए, 4। कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो एक शेप है या कुछ आपके पास गिवन क्वेश्चन है, कुछ पार्ट्स हैं आपके पास, जो तो उसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। टोटल पार्ट्स बॉटम में आ गए, डिनोमिनेटर में कितने हिस्से यूज हो चुके हैं, 2, 1 एंड 2। 2 हमने शेड कर लिए, तो ये क्या आ जाएगा, 2। बाकी कितने बच गए हैं, 2/4। 2/4 एंड 2/4 मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास रिक्टेंगल, फॉर एग्जांपल ये एक रिक्टेंगल शेप है हमारे पास। अब इसके मैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इसके कितने हिस्से बन गए हैं, 5। टोटल कहाँ आएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में। अगर हम इनको 3 हिस्से को शेड कर देते हैं तो कितने हिस्से हमने शेड किए हैं, 3। 3 हिस्से यूज़ हो चुके हैं, 3/5 तो हमारी फ्रैक्शन होगी। अब बाकी कितने बच गए, 2। साइड पे लिख देंगे 2/5। इसका मतलब है कि 3/5 एंड 2/5 दोनों मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। हिस्से कितने यूज़ हो गए हैं, 3। तो 3 पार्ट्स को हमने टॉप पे लिखा, टोटल नंबर ऑफ कितने थे हमारे, 5। तो हमने 5 को डिनोमिनेटर में लिख लिया। थोड़ा सा हम इसका चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, अगर मैंने शक्ल जो ड्रा की थी, शेप थी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 था। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं, 5। अब कौन कौन से हिस्से मिलकर कंप्लीट फ्रैक्शन बनाएंगे, शेड कितने किए थे हमने, 3। शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 3। रिमेनिंग पार्ट्स कितने हैं, 2। 3 एंड 2, 3/3। ये 3 आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ रही होगी कि ये 3/5 के साथ लिंक है और ये 2/5 के साथ लिंक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/5। इसका मतलब है कि ये दोनों फ्रैक्शंस मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। कुछ एग्जांपल्स की तरफ मूव करने लगे हैं हम। यहाँ आपको कुछ शेप्स नज़र आ रही है, स्माइली फेसेस हैं, सॉरी वो अच्छे से ड्रा नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो एग्जांपल देनी है। यहाँ आपको कुछ फेसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ फेसेस के नीचे लिखा हुआ है स्माइल। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यू हैव टू पुट आउट 2 स्माइल फेसेस, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि टोटल शेप्स को काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। 4 शेप्स हैं, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, नीचे वाले हिस्से में। अब जितनी शेप्स मैं आपको उठाने के लिए कह रही हूँ, 2 शेप्स स्माइल फेसेस वाली, 1 एंड 2, तो अपने उनको क्या लिख देना है, टॉप आर्ट में। जितनी शेप्स उठानी है उनको टॉप आर्ट में लिखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ शेप्स हैं उनको हम किधर लिखेंगे, बॉटम पार्ट में। दिस इज़ द न्यूमिरेटर एंड दिस इज़ द डिनोमिनेटर। नीचे आ जाए बेटा, यहाँ आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट आउट किया है, डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3, 4। लेकिन 4 शेप्स में मैंने 2 जो सर्कल्स हैं, 2 हिस्से उनको कलेक्ट कर दिया है,
तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ शेप्स को उनको काउंट करना है। 1 2 3 4, फोर कहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, कितने इसे कलर्ड हैं, टू, तो टू को हमने किधर लिख दिया, टॉप पार्ट में। न्यूमिनेटर में दो आएगा, डिनोमिनेटर में फोर आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रायंगल है आपके पास, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितने हैं, फाइव, तो हमने नीचे क्या लिख दिया, फाइव, कितने इसे कलर्ड हैं, तीन, तो हमने तीन को कहाँ लिख दिया, न्यूमिनेटर में टॉप पार्ट में। समझ आ गया बच्चों को कि हमने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कहाँ लिखने हैं और जो यूज्ड पार्ट्स हैं उनको हमने कहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, अब यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने हैं हमारे पास बक्सेस नज़र आ रहे हैं, सिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए, सिक्स, कितने कलर्ड हैं, फोर, बाकी कितने बचेंगे, टू, तो यहाँ इस शेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू। इसका मतलब है 4/6 एंड 2/6 दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन, 4/6 और बाकी कितना था, 2/6, तो ये दोनों 4/6 एंड 2/6 मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगी। नीचे आ जाएं, एक सर्कल को हमने कट आउट किया है 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में, कितने इसे शेड्यूल है इसकी, वन पार्ट, यहाँ क्या है, फोर, टोटल नंबर है फोर, यहाँ क्या आ जाएगा, कितने इसे कलर है, वन, 1 2 3 रिमेनिंग पार्ट्स हैं एंड 3, इसका मतलब है कि 1/4 एंड 3/4 मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। कलर्ड पार्ट्स यहाँ आ जाएंगे, जो कलर्ड पार्ट्स नहीं है उनको हम यहाँ लिख देंगे, 1/4 एंड 3/4 मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ट्रायंगल शेप्स नज़र आ रही हैं आपको, 1 2 3 4, फोर शेप्स हैं आपके पास, कलर्ड शेप्स कितनी हैं, 3, टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितने हैं, 4, 3/4 एंड 1/4, यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा 1/4, इसका मतलब है कि 3/4 एंड 1/4 मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। यहाँ आ जाए, स्क्वेयर को हमने कट आउट किया हुआ है 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में, शेडेड पार्ट्स कितने हैं इसका, एक, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, 3 क्या थे रिमेनिंग पार्ट्स, वो गिवन थे, एक हमारे पास ब्लैंक थी, तो हमें पता चल रहा था कि अगर 3 पार्ट्स रिमेनिंग है तो कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1, यहाँ क्या आएगा, 1/4 एंड 3/4 मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बना देंगे। आपको फ्रैक्शन के हिस्सों की भी समझ आ गया है कि फ्रैक्शन को किस तरह इक्वल पार्ट्स में कट आउट करना है, कितने हिस्से मिलकर फ्रैक्शन को कम्प्लीट कर सकते हैं, या कलर्ड पार्ट्स को कहाँ लिखना है, यूज पार्ट को कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर्स को कहाँ लिखते हैं, न्यूमिनेटर्स को कहाँ लिखते हैं, फ्रैक्शन के कितने हिस्से होते हैं, टॉप पार्ट का नाम क्या है, बॉटम पार्ट का नाम क्या है, तो फ्रैक्शन की आई थिंक आपको सारी समझ आ गई है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन की भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाती जाऊँ कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है, फ्रैक्शन मीन्स ब्रेक, फ्रैक्शन की डेफिनेशन थी, अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ होल दैट इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, कि फ्रैक्शन जो होती है कि वो टोटल हिस्सों को इस तरह कट आउट करती है कि उनको बराबर हिस्सों में काटा जाए, बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए और उनको दोबारा से जब ये फ्रैक्शन मिले तो एक कम्प्लीट फ्रैक्शन बन जाए। हमने शेप्स को भी कलर किया है, पिकआउट पिक किया, उनको कट आउट किया है कि कितने इसे यूज़ होंगे तो उनको हमने कहाँ लिखना है, जो इसे यूज़ नहीं होते उनको हमने कहाँ लिखना है, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस को कहाँ लिखना है। तो इस टॉपिक पे मज़ीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंपेयरिंग द फ्रैक्शंस करेंगे कि छोटी फ्रैक्शन कौन सी होती है, बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होती है, ग्रेटर साइन क्या होता है, लेस देन साइन क्या होता है, इक्वल फ्रैक्शन कैसे होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे लिखते हैं। तो कल का लेक्चर भी हमारा इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर बहुत ही इजी था और इंटरेस्टिंग भी था कि फ्रैक्शन के कितने हिस्से हैं, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन को यूज़ कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं। तो सारे बच्चों को समझ आ गई है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।